मेरा अंगूठी पर छिल गई। हाँ, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। अरे भाई इधर देख ले, महाकौथी के साथ दिन में हमारे बीच है सुनील गब्जाल जी, आपको कैसा लगा यहाँ मंच पे आके गाना गाने में? मैं चाहूँगा महापौती की पूरी टीम का सुधार मुझे आमंत्रित किया है और राजेंद्र चौहान का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और आए हैं यहाँ पे उत्तराखंड आने वाले आए हैं और जितनी भी जनता यहाँ आई है बड़े हैं क्योंकि उनको अपने उत्तराखंड की संस्कृति के गाने सुनने हैं और उसके लिए मैं तय दिल से महापौती की पूरी टीम को धन्यवाद करना समापन होगा। आप सब अपने परिवार के साथ इंदिरापुरम कौथिक का आनंद लेंगे। महाकौथिक का सातवां दिन, जैसा कि मैं आपको बता दूं, इंदिरापुरम गाजियाबाद में इस बार नौ दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो मैं माया उपाध्याय से जानना चाहूँगा कि आप क्या संदेश देना चाहेंगे, कैसा लगा आपको यहाँ का कार्यक्रम? सबसे पहले आपको बहुत आभार कि आपको ये मौके और महाकौथिक इंदिरापुरम जो यतु सालू है भैया, तो खूबसूरत प्रोग्राम आयोजन करो रहो। हमार जो युवा पीढ़ी छ उन्होंने बहुत भल लागू रहो और उन्हें अपन संस्कृति है में जुड़ू रहे। और मैं आप सब में सिर्फ यही कहना चाहूँ कि अपन बोली भाषा, हमर संस्कृति, हमर पहचान, अपन बोली भाषा को बुलाते रहो, थोड़ा बुलाओ, कम बुलाओ, पर बुलाते रहो। जय भारत, जय उत्तराखंड। उत्तराखंड की सम्मानित जनता का प्यार भरा नमस्कार। और ये महाकौथिक मैं आज आया हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा और इससे पहले भी 2-3 साल में आ चुका हूँ यहाँ पर और मुझे काफी अच्छा लगा क्योंकि ये हमारे उत्तराखंड के जो लोग हैं उनको जोड़ने का एक बहुत अच्छा सा प्रयास है और बहुत अच्छा लगा मुझे। जितेंद्र जी, हमारे राजेंद्र चौहान जी ने सभी कलाकारों को मंच दिया है और वो चाहते हैं हमारे संस्कृति आगे बढ़े, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? श्री राजेंद्र चौहान जी का दिल से धन्यवाद। मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजेंद्र चौहान जी इस महापौथिक के माध्यम से हमारे चाहे कुमाऊनी सिंगर हो या गढ़वाली सिंगर हो उनको तो मौका देते हैं। उसके अलावा जो बढ़ते हुए नए नए कलाकार है वो आ रहे हैं अभी नई पीढ़ी है उनको भी इस महापौथिक के माध्यम से बहुत अच्छा एक मंच मिल जाता है। और उत्तराखंड के विकास के लिए क्या आपने कभी? वैसे तो मैंने लगभग युवा वर्ग के लिए भी और हमारे जो बुजुर्ग वर्ग के लिए
मतलब लगभग लगभग सभी जितने हर प्रकार के गाने की मैंने कोशिश करी है, तो कुछ फोक चीजों को जैसे सिलगाड़ी का पाला चला वो साली हमारे जैसे पुराना फोक गीत था ये, तो इसको मैंने नए रूप में ढाला तो काफी लोगों ने पसंद किया इस चीज को, तो काफी अच्छा लगा। मैं नए के साथ साथ जो पुराने फोक चीजों को लेके भी चलता हूँ। आप जो आप सिलगड़ी का पाला चला है इसकी दो लाइन अगर सुना दे। बिल्कुल। सिलगड़ी का पाला चला ओ साली, सिलगड़ी का पाला चला ओ साली, डान्या धुरा आमली मैल साली का जली, डान्या धुरा आमली मैल साली का जली। हमारे साथ है प्रतिभ प्रकोष्ठ दिल्ली अध्यक्ष कुलदीप भंडारी जी। सर, उत्तराखंड से बाहर दिल्ली एनसीआर में पहली बार इतना बड़ा मंच उत्तराखंडियों का, तो इससे क्या लगता है आपको कि हमारे संस्कृति और हमारे आने वाली पीढ़ी को इससे कितना फायदा होगा, कितनी सीख मिलेगी? देखिए, जो आने वाली पीढ़ी है उनको ये बहुत ही पहाड़ी कल्चर इसी से उनको ज्ञान होता है। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि मेरे को पहाड़ी जो है भाषा नहीं आती थी, और इन्हीं चीज़ों से कैसे सोनोटोन की कैसेट आया करती थी, वो गाने सुनकर इस तरीके के प्रोग्राम देखकर मुझे अपनी भाषा आती है। और यही जो मैं आपसे कहता हूँ, लोग ट्यूशन लगाते हैं अपने घर से, अपनी बोली भाषा जो अपने घर से सीखी जाती है। अगर बच्चा कहीं इंग्लैंड में पैदा होता तो वो इंग्लिश बोलना चालू कर देता है, अगर आप अपने घर में अपनी बोली भाषा बोलना है तो आप बच्चा भी जरूर सीख लो, वही कल्चर वो भी सीख लो जो आप घर में। सर, हमारे चैनल के माध्यम से प्रवासी उत्तराखंड के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? और सबसे पहले तो आपको बधाई हो बहुत बहुत, आप दिल्ली प्रकोष्ठ कांग्रेस के अध्यक्ष बने हुए, और मैं भाभी चाहता हूँ कि बहुत देर बाद आपसे मिल रहा हूँ। हमारी बोली भाषा हमारे गीतों की जैसे बोलियों के द्वारा जो हम सड़ी हमारे आने वाली पीढ़ी सड़ी बताने लगे, बहुत अच्छी लगी। संगीत के साथ साथ हम उत्तराखंड के विकास के लिए और क्या प्रेरणादायक गीत गाते हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे समाज को? जी, संदेश तो मैं ये देना चाहता हूँ कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो गढ़वाली बोली भाषा है, जो पहनावा है, वो ये भूलना और अपना बच्चों अपना आसपास का जो समाज है वही थे बतावा हमारा परिधान क्या है, हमारी बोली भाषा क्या है, अपने जो आने वाली पीढ़ी है वही तो बताओ। और विकास के मामले में तो मैं ये नहीं बोल रही कि विकास क्या बोल रही कि हम जो हमारे उत्तराखंड जो सरकार संस्कृति पर क्या अच्छे अच्छे कार्य करने लगा है, जबकि आप देख सकते हैं
पहाड़ों की खबर हम लोग आपके लिए लगातार ला रहे हैं। वॉइस ऑफ माउंटेन्स का आप लोगों को बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। आगे भी चैनल को सब्सक्राइब करना, घंटी बजाना, ताकि आपको अपने आप खबर मिले। लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर करना। पहाड़ों की खबर देखने के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स।